नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एंजियोप्लास्टी यानी कि हार्ट में स्टेंट या छल्ला लगाने के प्रोसीजर के बारे में सुन रखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट में स्टेंट, छल्ला या एंजियोप्लास्टी कब और कैसे करते हैं। यदि हार्ट अटैक आने के बाद किसी व्यक्ति की एंजियोग्राफी की जाए और उसमें हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज 70% या उससे अधिक आता है तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट में स्टेंट या एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ती है। एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक आने के बाद जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही फायदेमंद होता है। यदि एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक आने के बाद 4 घंटे के अंदर कर लिया जाए तो यह सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के आने के 4 दिन के अंदर तक भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर दिल का दौरा या हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तब होता है जब बराबर रक्त प्रवाह न मिलने के कारण हृदय की मांसपेशियों के हिस्से की अचानक मौत हो जाती है। यह तब होता है जब कोरोनरी धमनियों में से एक हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी में अवरोध हो। रुकावट आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, जो कि रक्त वाहिकाओं की दीवार पर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल सजीले टुकड़े या वसा के कारण होता है। जैसे ही धमनियों में पट्टिका या प्लेग जमना शुरू होता है, धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण धमनियों में रक्त की प्रवाह सीमित या कम होने लगती है। तनाव के तहत पट्टिका या प्लेग फट सकती है। यह प्लेग के ऊपर रक्त के थक्के के गठन को ट्रिगर करता है, जिससे रक्त प्रवाह पूरी तरह रुक जाता है। जब यह कोरोनरी धमनी में होता है तो मायोकार्डियम का बहाव पैच ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। कमजोर हृदय की मांसपेशी हृदय की विद्युत गतिविधि को बाधित कर सकती है और बाद में हृदय की रुकावट या अटैक का कारण बन सकती है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक गैर शल्य या बिना चीरफाड़ की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग संकुचित या अवरोधित कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है। यह मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के लिए एक आपातकालीन उपचार के रूप में भी किया जा सकता है। प्रक्रिया का पहला हिस्सा रुकावट की जगह को स्थानीय या अप्रोचेबल बनाना है। इस हिस्से को कार्डियक कैथेटराइजेशन या कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। एक मार्गदर्शक कैथेटर कमर में उरु यानी फिमोरल आर्टरी के माध्यम से डाला जाता है और महाधमनी यानी कि ओर्टा की तरफ सरकाया जाता है। कैथेटर की नोक को कोरोनरी धमनी की शुरुआत में जांच के लिए रखा जाता है। एक रेडियो अपारदर्शी या रेडियो ओपेक डाई को कैथेटर के माध्यम से कोरोनरी धमनी में वितरित किया जाता है। यह एक्सरे इमेजिंग का उपयोग करके धमनी के वास्तविक समय के दृश्य को देखा जाता है। धमनी का एक संकुचित हिस्सा एक एक्सरे छवि पर एक बोतल गर्दन के रूप में दिखाई देता है। संकुचित धमनी के स्थान की पहचान होने के बाद एंजियोप्लास्टी शुरू की जा सकती है। एक पिचके गुब्बारे के साथ एक दिशा निर्देश डाला जाता है और रुकावट के स्थान पर ढकेल दिया जाता है। अंत में प्लेग को कुचलने के लिए गुब्बारे को फिर फुलाया जाता है। प्रक्रिया के अंत में गुब्बारा फिर से पिचकाया जाता है और सभी कैथेटर और गाइड वायर के साथ बाहर खींच लिया जाता है। ज्यादातर मामलों में धमनी को स्थायी रूप से खुला रखने के लिए एक स्टेंट गुब्बारे के साथ डाला जाता है, फिर फुलाया जाता है और पट्टिका की जगह पर छोड़ दिया जाता है। कृपया किसी भी व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के लिए अपने हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श करें।